नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे सातवीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मंथन भाग दो का पहला पाठ और इस पाठ का नाम है ग्राम्य जीवनम। ग्राम्य अर्थात ग्रामीण, जीवनम अर्थात जीवन, ग्रामीण जीवनम पुनरावृत्ति पाठ है। ये पुनरावृत्ति पाठ है। मयंक यहां पर नाम दिया गया है, जहां तक मुझे लगता है यहां पर मयंक नाम होगा, तो हर जगह मयंक ही है तो आप इसे मयंक पढ़ सकते हो। अहो अद्य अस्माकं परीक्षा समाप्ता, मयंक कहता है अहो अरे आज हम सबकी परीक्षा समाप्त हो गई। श्वः प्रभृति पंचदश दिनावकाशः भविष्यति, कल से लेकर 15 दिनों का अवकाश होगा। त्वं अवकाशे किं करिष्यसि, तुम अवकाश में क्या करोगे। अवकाश कहते हैं छुट्टियों को, तो तुम छुट्टियों में क्या करोगे। श्रेयसः अहम् तु मातुलस्य गृहं गमिष्यामि, मैं तो मामा जी के घर जाऊंगा। मयंक स कस्मिन् नगरे वसति, वह किस नगर में रहते हैं। श्रेयसः स तु ग्रामे वसति, वह तो गांव में रहते हैं। स कृषकः अस्ति, वह किसान है। मयंक अहम् अपि ग्रामं द्रष्टुम् इच्छामि, परन्तु अस्माकं परिवारः तु अत्रैव वसति, मैं भी गांव देखना चाहता हूँ, परंतु हम सबका परिवार तो अत्रैव अर्थात यहीं पर वसति रहता है। श्रेयसः, श्रेयस कहता है तरही माम सह आगच्छ, तो फिर मेरे साथ आओ। अहम रात्रौ रेल यानेन नव वादन काले प्रस्थानम करिष्यामि, मैं रात्रि में रेल द्वारा 9 बजे प्रस्थान करूंगा, अर्थात 9 बजे वहां के लिए निकलूंगा, अपने मामा के घर के लिए निकलूंगा। मयंक परंतु तत्र आवाम किम करिष्यावः, मयंक कहता है परंतु हम सब वहां पर क्या करेंगे। आवाम मतलब हम दोनों वहां क्या करेंगे। वयम तो कृषि कार्यम न जानीमः, हम सब तो कृषि कार्य नहीं जानते, मतलब कि खेती बाड़ी हमें नहीं आती, हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते। श्रेयसः तत्र तु विशाल क्षेत्राणि सन्ति, आवाम तत्र भ्रमावः, कूपस्य जले स्नानम कुर्वः, वहां पर बहुत बड़े खेत हैं, हम दोनों वहां घूमेंगे, कुएं के जल में स्नान करेंगे। तस्य शीतलम जलम पीत्वा आनंदम अनुभवावः, उसके शीतल जल को पीकर आनंद का अनुभव करेंगे। मयंक किम तत्र दर्शनीयानि स्थलानि अपि सन्ति, मयंक उससे पूछता है कि क्या वहां दर्शनीय अर्थात देखने योग्य स्थल भी हैं। श्रेयस नहीं नहीं, तत्र तु रमणीय वाटिका उपवनानि च सन्ति, वहां पर सुंदर सुंदर वाटिका और उपवन हैं। मयंक वाटिकायाम उपवनेषु च किम किम भवति, बाग बगीचों आदि में क्या क्या होगा। श्रेयसः वाटिकायाम आम्र वृक्षाः नारिकेल वृक्षाः च सन्ति, वाटिका में आम के वृक्ष और नारियल के वृक्ष हैं। आम्र वृक्ष छायाम आवाम मित्रैः सह खेलिष्यावः, भोजनम च करिष्यावः, आम के वृक्ष की छाया में हम दोनों मित्रों के साथ खेलेंगे और भोजन करेंगे। मयंक अन्यत किम, मयंक और क्या, यानी कि हम और क्या करेंगे। श्रेयसः उपवनेषु च विभिन्न पुष्पाणि दृश्यन्ते, तत्र शतपत्री चंपा इत्यादिनी पुष्पाणि विकसन्ति। अब श्रेयस उससे कहता है कि उपवन में विभिन्न पुष्प दिखाई देते हैं, अर्थात बहुत से फूल दिखाई देते हैं, वहां शतपत्री कहते हैं गुलाब को, गुलाब चंपा इत्यादि के फूल खिलते हैं। घर के सामने कदली कहते हैं केले को, तो केले के वृक्ष शोभा देते हैं। मयंक ग्रामे भोजनाए किम मिलंती, गांव में भोजन के लिए क्या क्या चीजें मिलती हैं। किम पिज्जा बर्गर इत्यादि भोज्य पदार्थानि अपि मिलंती, क्या पिज्जा बर्गर आदि भोज्य पदार्थ भी मिलते हैं। श्रेयसः न, पिज्जा इत्यादि तु न मिलती, परम तत्र प्रभूतम अन्नम दुग्धम फलानी इक्षुरसांसी च मिलंती, नहीं वहां पर पिज्जा इत्यादि तो नहीं मिलते हैं, किंतु वहां पर बहुत सारा अन्न दूध फल और गन्ने का रस आदि मिलते हैं। तत्र जलम वायु च प्रदूषितः न भवति, वहां पर जल और वायु प्रदूषित नहीं होते हैं। मयंक तत्र मनोरंजनस्य साधनानि सन्ति न वा, मयंक वहां मनोरंजन के साधन हैं अथवा नहीं। श्रेयसः तत्र तु बालकाः जनाः च वृषभयोः कुक्कुटयोः संघर्षं दृष्ट्वा एव मनोविनोदं कुर्वन्ति। श्रेयस कहता है वहां पर बच्चे और बड़े सभी बैलों का या कुक्कुट कहते हैं मुर्गे आदि का
संघर्षम दृष्ट्वा, अर्थात उनका आपस में संघर्ष देखकर ही मनोरंजन करते हैं, अर्थात उनकी लड़ाई देखकर वो आपस में मनोरंजन करते हैं। तत्र दूरदर्शनम अपि अस्ति, वहां पर दूरदर्शन भी है। बालकाः नद्यां जले अपि खेलन्ति, बालक बच्चे नदी के जल में भी खेलते हैं। मयंक अहो ग्राम्य जीवनम तु अति रुचिकरः मनोहारि च प्रतीयन्ते। अरे ग्राम्य जीवन तो बहुत ही रुचिकर और मन को लुभाने वाला प्रतीत होता है। अहम तत्र गंतुम अतीव उत्सुकः अस्मि, मैं वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्रेयसः बाढ़म, बाढ़म का अर्थ होता है हाँ। तरहि रात्रौ आगच्छ, इसलिए रात्रि में आ जाओ। आवाम ग्रामम गच्छावः, हम दोनों गांव चलेंगे। अवकाशः च व्यतीतम कुर्वः, और अवकाश यानी कि छुट्टियां वहां पर व्यतीत करेंगे। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। इसको पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।